हाँ, जो भी बच्चे निकलते हैं तो कभी कभी उनका फ़ोन छीन लिया जाता है। कल एक बच्चे के लिए, हमारा एक जूनियर वो था इंटर्न, उसके लिए गोली मार दी गई। और उसके लिए यहाँ जो बच्चे निकलते हैं उनके लिए एक भय का माहौल यहाँ व्याप्त है कि कहीं बाहर निकलें या ना निकलें। मेरा नाम वेदिका सिंह है और मैं यहाँ पे MBBS तीसरे साल की छात्रा हूँ। और मुझे ये कहना है कि हमारे जो सीनियर हैं 2013 सत्र के, कल शाम में वो अपनी स्कूटी में मतलब पेट्रोल भरवाने के लिए, एक बच्ची थी जूनियर तो उसके साथ वो जा रहे थे, ठीक है, यहीं पे जस्ट थोड़ी दूर पे जो चौराहा मतलब उधर जाती है रोड, उस पे वो पहुँचे थे। तो तीन लोग उनके पास आए हैं और वो मुंह बांधे हुए थे, उन्होंने सर को मतलब रोका है, उनकी बाइक छीनी है। उसके बाद जो है वो बाइक छीनने के बाद सर ने उनको चाबी तक दे दी है। उसके बाद वो उस बच्ची पे हाथ लगाए हैं। उसके बाद सर जब उस बच्ची को बचाने लगे तो उन्होंने लगातार तीन गोलियां फायर कर दी, और जो जिसमें से एक उनके पार हो गई है और दो उनको लगी हुई है, ठीक है। अब आप ये पूरी घटना है जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे, बच्चे को गोली मार दी बदमाशों ने और उसका ताबड़तोड़ हम लोगों ने ऑपरेशन किया। मैं खुद भी ऑपरेशन थिएटर में था, पूरी टीम चुस्त दुरुस्त थी। उसकी गोलियां निकाली गईं, आंत जो घायल थी कुछ आंत का पोर्शन निकाला भी गया, कई जगह आंत में छेद से उनको सील किया गया, भारी ब्लड लॉस हुआ उसको रिप्लेस किया गया। बच्चा अभी स्टेबल भी है, अभी वो गहन परिचर्या इकाई में कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में है। से हड़ताल का माहौल है और मरीज बहुत परेशान, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? अब देखिए, इसको देखिए, बच्चे तो हमारे ही हैं और बच्चों की मांग भी जायज है। जब ऐसी असुरक्षा की भावना होगी तो बच्चे क्या VC भी यहाँ सेफ महसूस नहीं करेगा। और ऐसी एक आध घटनाएं हो भी चुकी हैं जिनके बारे में मैं यहाँ जिक्र करना उचित नहीं समझता हूँ। यहाँ तो अगर एक किसी के अगेंस्ट एक्शन लीजिए वो VC के अगेंस्ट भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और इन पर हमारी पैनी नज़र है। देखिए, कल जो घटना हुई है, एक स्टूडेंट के साथ जो गोली मार की घटना हुई है, उसके विषय में थोड़ा सा एजिटेशन है जो उनके सहपाठीगण हैं, लेकिन उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी है कि उसकी ज़िंदगी बचाई जाए, उसके लिए बेटर जो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उस पर डिस्कस हुआ है। और फिर इनसे बात भी, संवाद भी हो रहा है, उनके घर वाले भी आ गए हैं, FIR अभी मिल गई है, FIR लिखी जा रही है। और कुछ जो भी चश्मदीद साक्ष्य, एक उनके साथ कलीग थी, उनसे भी अभी हम लोग बात नहीं कर पाए हैं। उसमें भी रिक्वेस्ट की गई कि हमसे बात कराई जाए, सो दैट फर्दर जो भी उसके क्ल्यूज डेवलप होते हैं फिर उसका अनावरण कर लिया जाएगा जल्दी। जो भी दोषी होंगे उनको सिर्फ पकड़ लेंगे। सर, स्टूडेंट बता रहे हैं कि यहाँ बाइक चोरी भी बहुत होती है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं। मेरे संज्ञान में आया है ये कि बाइक चोरी होने का और इस तरह की चीज़ों का, यद्यपि इनके सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको भी हम मैनेज करेंगे। मेरे संज्ञान में पहली बार लाया गया। इवन ये भी कहा जाता है कि कुछ जो अपनी छात्राएं जाती है उनके साथ कुछ आसपास के लोग जो है कुछ टीका टिप्पणी भी करते हैं, तो दैट इज़ वेरी पेटी मैटर। वो हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा सुधर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी पहली है कि उसकी पहले विपिन की ज़िंदगी बचाई जाए और जो भी इसमें दोषी है उनको पकड़ के जेल भेजा जाए, पहली प्रायोरिटी ये है। इसके बाद ये छोटी जो समस्याएँ, ये विद इन 1 वीक दूर हो जाएंगी, कोई बड़ी समस्या नहीं।